इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एज अ वुमन कम्स इन शी इज स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज सेंटेंस्ड, इज द पनिशमेंट नॉट इनफ? मस्ट द ह्यूमन बॉडी बी डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलिएटेड? ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। पच्चीस जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के नाम पर देश के लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे कुचला था ये सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल से प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर हुए अत्याचारों को जानकर आप कांप उठेंगे। 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बहुचर्चित दक्षिण भारतीय अभिनेत्री, संस्कार फिल्म से विश्व प्रसिद्ध हुई कलाकार, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री और प्रोड्यूसर, यह और कोई नहीं स्नेहलता रेड्डी है, जो अपनी कला के बल पर रुपहले पर्दे का चमकता सितारा बनी थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो कांग्रेस के इस फांसीवादी निर्णय के विरुद्ध वो भी सड़कों पर उतरी थी और इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार के लिए स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष ये था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के मित्र थीं, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बस यही स्नेहलता का दोष था। इसके बाद स्नेहलता के साथ जो हुआ वह जानकर आप सिहर जाएंगे। स्नेहलता के साथ इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, ये उन सभी सिनेमा के कलाकारों को भी जानना चाहिए जो आज सरकार को बात बात पर फांसीवादी कहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए उन्हीं की फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रतिभाशाली कलाकार को आपातकाल में कितनी भयानक यातनाएं देकर मौत के मुंह में धकेला गया। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से निकटता और इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध प्रदर्शन करने का परिणाम ये हुआ कि 2 मई 1976 को स्नेहलता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में अधिकतर गिरफ्तारियां हुई थीं। बेंगलोर जेल में उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया जहां मुश्किल से एक व्यक्ति रह पाता है। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक इमरजेंसी रिटोल्ड में बताया है कि जेल में स्नेहलता की कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल में फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में एक प्रिजन डायरी नामक संकलन में प्रकाशित किया था। इसमें जेल में प्रताड़ना का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा है, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है?
इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन दो दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को उसकी हृदय भेदी चीखें मेरे सेल तक आती थी और मैं सोचता था यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों से सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया उसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता अस्थमा की रोगी थी। जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, उल्टे कठोर यातनाएं बढ़ा दी गईं। ये बातें उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थीं। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और गंभीर हो गई तब 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के 5 दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी फेक केस में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया था। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी हजारों युवतियां और युवक थे जिनका इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न तो ऐसा फांसीवाद देखा न इसके बाद। शायद राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, लेकिन इमरजेंसी की एक घृणित सोच जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ।